बहनों भाइयों, धारा 370 हम लोगों ने समाप्त किया और हमारा पड़ोसी दुबला हुआ जा रहा है, दुबला हुआ जा रहा है, उसका हाजमा खराब हो गया है। अब वह दुनिया में हर देशों के लोगों के दरवाजे जा जाकर दरवाजा खटखटा रहा है कि पाकिस्तान को बचा लीजिए, पाकिस्तान को बचा लीजिए। भारत ने गड़बड़ कर दिया, क्या अपराध कर दिया हम लोग, और रह रहकर कभी कभी धमकी भी देता है। लेकिन जो दुनिया का आज सबसे ताकतवर देश जिसे लोग मानते हैं अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा हटो हटो जाओ, भारत के साथ बैठकर बातचीत करो, यहां आने की कोई जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, उस समय मैं भारत का गृह मंत्री था, आज मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, सरकार रहे अथवा न रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हम लोग केवल सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, यकीन रखना भारत माता का मस्तक हम लोग किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे बहनों भाई, झुकने नहीं। कहते हैं पाकिस्तान के लोग, भारत और पाकिस्तान के बीच बात होनी चाहिए, किस बात पर बात होनी चाहिए, कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए, क्यों बात होनी चाहिए। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी, अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं।